नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। बिहार के बाद अब हरियाणा में भी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का बवाल शुरू हो गया है। हरियाणा के पलवल में योजना के विरोध में युवाओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। इसके बाद पुलिस के साथ युवाओं की भिड़ंत हो गई। वहीं नेशनल हाईवे पर रेस्ट हाउस के सामने युवाओं ने पुलिस की 4 गाड़ियों को तोड़ दिया और 3 को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, पुलिस पर जबरदस्त पथराव किया गया है। वहीं पुलिस ने हालात को कंट्रोल में लाने के लिए आंसू गैस छोड़ी और हवाई फायरिंग की है। यह हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। पलवल में अग्निपथ योजना को लेकर युवा बेहद उग्र हैं। वहीं आपको बता दें कि डीसी के आवास पर भी पथराव शुरू कर दिया गया है। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस मौके से चली गई है। पलवल में पुलिस की 3 गाड़ियों को भी तोड़ा गया है और आग के हवाले किया गया है। इसी के साथ पुलिस और डीसी रेजिडेंस के कर्मचारियों ने भाग कर अपनी जान बचाई है। युवा अभी तक उग्र रूप में ही है और जमकर पथराव कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में लगी आग बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो युवाओं का प्रदर्शन देखकर वह भी उल्टे पांव लौट गई। सरकारी संपत्ति के अलावा युवाओं ने जमकर सड़क पर भी पथराव किया है। आधा दर्जन से अधिक सवारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उग्र युवाओं ने मीडिया सेंटर पर भी पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ दिए हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर पुराने कोर्ट के सामने रेस्ट हाउस के पास युवाओं का उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है। डीसीपी यशपाल खटाना सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा के कई स्थानों पर जहां युवा सड़क पर उतर आए हैं, वहीं रोहतक में 2 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने आज पीजी हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर जान दे दी है। मृतक की पहचान सचिन निवासी लिजवाना जिला जींद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन पहले सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। पीजीआई थाना रोहतक ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस व परिजनों ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम लाने से सचिन ने सुसाइड का कदम उठाया है। वहीं हरियाणा के पलवल में गुरुवार सुबह केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद आर्मी की तैयारी कर रहे नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे पर युवाओं ने टायरों में आग लगाकर हाईवे को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, हाईवे के दोनों तरफ लगी ग्रिल को तोड़ दिया गया है। हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज और पथराव से अनेक लोगों को चोट आई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।